सीएए और एनआरसी पर विपक्ष के विरोध को देखते हुए भाजपा ने बड़े पैमाने पर कैंपेन चलाने की योजना बनाई है। बीजेपी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदेश भर में जन जागरण अभियान चलाने जा रही है, जिसे लेकर प्रदेश पार्टी कार्यालय में दिग्गजों ने महामंथन किया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सीएए और एनआरसी को लेकर बीजेपी का महामंथन, प्रदेश भर में भाजपा चलाएगी जन जागरण अभियान। बीजेपी दफ्तर में शिवराज सहित कई दिग्गजों ने बनाया एक्शन प्लान। कमलनाथ के बाद अब बारी बीजेपी की। मध्य प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कांग्रेस के विरोध और सीएम कमलनाथ के शांति मार्च के बाद अब बारी शिवराज की है, लिहाजा विपक्ष की रणनीति को फेल करने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर में दिग्गजों का जमावड़ा लगा। शिवराज, राकेश सिंह, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, सभी सांसद और विधायक सहित पार्टी पदाधिकारी जुटे। बैठक में विपक्ष को जवाब देने के साथ साथ सीएए और एनआरसी को लेकर प्रदेश भर में जन जागरण अभियान चलाने की रणनीति बनाई गई। क्योंकि देश में लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर संविधान से प्राप्त ताकत के अनुसार एक कानून बना दिया है, जिसको पालन करने की बाध्यता एक सामान्य व्यक्ति की भी है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी है। वो जानते हैं इसको पालन करने से, इसको लागू होने से वो रोक नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में माहौल खराब हो, हिंदू मुस्लिम के बीच में भेद पैदा हो, ये कांग्रेस कोशिश कर रही है। और इसीलिए इन सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम पूरे देश में और मध्य प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाएंगे, जिसमें घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी के नाम पे धन्यवाद पत्र भेजेंगे। कार्यकर्ताओं की एक टोली गठित होगी जो आने वाले इन सारे कार्यक्रमों को अंजाम देंगे। प्रदेश के हर जिले में एक संगोष्ठी होगी, प्रबुद्ध नागरिकों के साथ में संवाद का कार्यक्रम होगा। पार्टी की कोशिश है कि हर ग्राम पंचायत में और शहर के हर वार्ड में जन जागरण का कार्यक्रम हो और उसके बाद एक प्रमुख स्थान पर एक बड़ा कार्यक्रम हो। हर संसदीय क्षेत्र में जहां पर भी इन तीन देशों से आए हुए शरणार्थी होंगे, उनके साथ एक संवाद का कार्यक्रम होगा मीडिया की उपस्थिति में। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में 15 जनवरी तक मार्च किया जाएगा। अलग अलग संगठनों के साथ मिलकर रैली निकाली जाएगी। सांसद, विधायक और पंचायतकर्ता द्वारा पंचायत स्तर पर कार्यक्रम सभा और संगोष्ठी की जाएगी। शिवराज ने कहा कि देश को विपक्ष का ग्रहण नहीं लगने देंगे। सीए के मामले में कांग्रेस और हमारे विरोधी जिस ढंग से भ्रम फैला रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं, गलत फहमी पैदा कर रहे हैं, हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में हमने तय किया है, पूरे देश में हमने तय किया है, इसके खिलाफ एक जन जागरण अभियान चलेगा। सीएए के बारे में कई बार माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं है। और भारत में रहने वाले किसी भी वर्ग, किसी भी पंथ, किसी भी उपासना पद्धति के मानने वाले भाई बहनों के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारत में जो पैदा हुए हैं, जिनने जन्म लिया है, इस देश के नागरिक हैं, उन सबको बराबर मानती है, समान मानती है।
हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल है। लेकिन रोज झूठ परोसा जा रहा है। यह देश में निवास करने वाले करोड़ों करोड़ शरणार्थियों को न्याय देने वाला है, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने वाला बिल है। कांग्रेस देश को गुमराह करने का एक असफल प्रयत्न कर रही है। कांग्रेस के समय में भी इस प्रकार के संशोधन आए हैं और आप सबको अनुभव है कि चाहे वो गांधी जी हों, चाहे नेहरू जी हों और चाहे उसके बाद की सरकारें हों, सारे लोग इस पक्ष में थे कि पाकिस्तान से जितने भी हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख शरणार्थी आ रहे हैं, भारत को उनकी चिंता करनी चाहिए, भारत को उनको न्याय देना चाहिए, भारत को उन्हें नागरिकता प्रदान करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी यह मांग की थी, यह सर्वविदित है, लेकिन कांग्रेस की ऐसी आज स्थिति हो गई है कि किसी भी बात से पलट जाते हैं। अगर कांग्रेस वही काम करती है तो वह सही है और अगर मोदी जी करते हैं तो गलत है। इस प्रकार का स्टैंड कांग्रेस ने ले रखा है। कांग्रेस के इस असत्य वाचन और दुष्प्रचार का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी करेगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने भी कमर कस ली है, लिहाजा जिले से लेकर पंचायत स्तर तक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।